सो जी हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अभी रात ही हो रही है कह सकते हैं। वैसे टाइम तो सुबह का हो गया, 5:30 बज चुके हैं, लेकिन अंधेरा हो रखा है। तो यार अभी मैं बस अड्डे में आ रखा था ना यहाँ पर, ये पीछे अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ से। अगर आपको मसूरी का भी जाना होगा ना, तो आप यहाँ से, बस तो चलती नहीं है जो ISBT है महाराणा प्रताप, तो आप यहाँ से उसमें जाती है ना सवारी, 4-4 सवारी में जाती है, निकलती है टैक्सी है। अगर आप बस से जाना चाहोगे मसूरी, तो आपको मसूरी बस अड्डे में जाना पड़ेगा, जो कि लक्की बाग में पड़ता है। तो गाइस मेरा आज का यही है बस, कि मैं फ्रंट कैमरा का थोड़ा, मैं ना जब भी व्लॉग बनाता हूँ तो बैक कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। अब बैक कैमरे में दिक्कत ये है कि उसका जो अल्ट्रा वाइड है वो यार उसकी बहुत ही कम लाइट कैप्चर करता है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है। तो गाइस यहाँ पर मैं लाइट के सामने खड़ा हो गया हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ ये महाराणा प्रताप बस अड्डे से, ये दिखा होगा एग्ज़िट गेट। और थोड़ा यहाँ पर क्या है बोलते हैं इस इलाके को, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है, और यहाँ से अभी क्लेमेंट टाउन भी सामने है, तो थोड़ा उधर की तरफ चलते हैं। और बैटरी कम है तो 1 घंटे तक घूम लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा काम काज भी चल रहा है ना यहाँ पर, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर पेंटिंग हो रही है आजकल, मतलब ये सौंदर्यकरण हो रहा है यहाँ पर बस अड्डे का। इस तरीके से यहाँ सौंदर्यकरण, यहाँ पेंटिंग हो रही है आजकल में हो रही है, और मतलब अंदर भी हो रही है पेंटिंग। बस अड्डे को काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है, जो वहाँ का कलर है वो किया जा रहा है। तो गाइस बस चलने लग गई है, मतलब अभी तो निकल नहीं रही है, लेकिन निकलनी शुरू हो जाएगी शायद से अभी थोड़ी देर में। दिल्ली वगैरह के लिए निकलती रहती है यहाँ बस। और सवारी खड़ी हो रखी, देखिए सवारी है खड़ी हो रखी, तो गाइस मैंने एक चीज़ यहाँ पर ना नोटिस करी है, यहाँ पर जैसे मतलब 4 बजे मैं उठ गया था सुबह, तो मैंने देखा यार बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है। उतनी ठंड यार रात को 9-10-11 बजे तक नहीं है, पता भी नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर सुबह इस समय। मतलब मैंने अभी एक ये पहन रखा है, हुड पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है और इनर पहन रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर मेरे को एक और स्वेटर पहननी चाहिए थी अभी। तो गाइस ये अभी क्या कर रहे हैं यार, बैटरी बहुत कम है ना, कहीं पर चार्ज भी लगाना था फोन, अब कहाँ पर लगाए। तो गाइस ये बस है ना, ये खड़ी हो रखी है, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर निकलता है आगे क्लेमेंट टाउन है, आगे क्लेमेंट टाउन की तरफ चल रहा हूँ मैं। तो गाइस ये बस भी लग रही है, साधन लग रही है, अभी तो खाली हो रही है, लगी है सहारनपुर की लगी है यहाँ पर। तो गाइस अभी टाइम कितना हो रहा होगा पता नहीं लग पा रहा है, लगभग 5:30-6:30 ऐसी हो रहा है, 5:30 बज रहे अभी। तो गाइस ये आगे वाली बस जो है ये भी सहारनपुर के लिए जा रही है। तो गाइस ये मतलब ना ये सहारनपुर का रूट है ना, दिल्ली के लिए भी सिरा से जाती है, सहारनपुर के लिए भी। तो सारण इस बस अड्डे से बहुत ज़्यादा निकलती है, और ये जो इधर है ना ISBT के सामने, ये होटल है, बहुत सारे 3-4 होटल है, और रात को चलते, दिन के टाइम तो ठप बने रहते, लेकिन रात को काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बाइक ऑन रेंट भी है, बाइक रेंट में मिल सकती है, ISBT के सामने है ये, इनका कॉन्टैक्ट नंबर अगर दिख पा रहा होगा तो ये है, और आपको कभी चाहिए होगी ना बाइक चाहिए होगी यहाँ पर तो इस कॉन्टैक्ट में कर सकते हो। सो गाइस बैटरी बहुत कम है, अभी हम ISBT से बाहर निकल चुके हैं, ISBT से यहाँ टनल रोड की तरफ, अभी इधर की तरफ जाना पड़ेगा टनल के लिए। तो गाइस यहाँ पर भी सारी दुकानें भी बंद है, और यार मतलब ये तनेजा साइकिल है ना जो यहाँ पर, ये बहुत चलती है यहाँ पर साइकिल्स की दुकान, और ये भी बहुत चलता है यहाँ पर साई राम, ये जो रेस्टोरेंट है ये भी काफ़ी चलने वाला है यहाँ पर। मैं जब घूमता रहता था इधर पहले, तो मैंने देखा है इधर जो चलने वाली दुकानें हैं। सो गाइस बाकी तो सब बंद है।
तो गाइस यहाँ पर मैं मतलब 11 बजे सो गया था और 4 बजे नींद खुली थी मेरी, उसके बाद नींद ही नहीं आई, तो मैं फिर इस यहाँ पर आ गया SBT की तरफ, यहीं पर ले रखा था मेरा कमरा, तो मैं फिर आपके आगे निकल गया। तो गाइस टंडर रोड में है अभी हम, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है इस तरह से। तो मैं आपसे कह रहा था कि अभी इसमें बैटरी बहुत कम है, और अभी हमने पानी यार यहाँ पर कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है कहीं पर, नहीं चार्जर मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूँ ना, ये चार्जर भी है मेरे पास अभी चार्जर, लेकिन यहाँ पर कहीं पर प्लग करने के लिए कोई वो नहीं है सॉकेट। अब मैं सॉकेट ढूंढ रहा हूँ लेकिन सॉकेट कहीं है नहीं, ये देखिए कहीं सॉकेट है नहीं कहीं पर किसी दुकान में। एक बार मैंने पहले भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था रात के समय देहरादून में, जिसमें मैंने रैपिडो बाइक का वो मंगाई थी, उसने मुझे तब एक किलोमीटर के लिए मैंने वो टैक्सी वो की थी, वो बाइक बुक, तो उसमें मेरे को 20 रुपये दिए मैंने उन्हें, उन्होंने मेरे को लक्की बाग तक छोड़ दिया था, मतलब एक किलोमीटर दूर था लक्की बाग वहाँ पर। सो यहाँ पर से कार आ रही है तो आपको लाइट दिख रही होगी, नहीं तो यहाँ पर चुप पूरा अंधेरा है भाई, यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये टनर रोड में यहाँ की नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगा रखी है। तो गाइस यहाँ पर मैं SBI के सामने आ गया, ये SBI की टनर रोड में ब्रांच है जिसे क्लेमेंट टाउन ब्रांच कहते हैं। तो यार ये क्लेमेंट टाउन ना यहीं से शुरू हो जाता है कहीं पर से, पता नहीं उसकी कहाँ है बाउंड्री, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन क्लेमेंट टाउन ज़्यादा दूर नहीं है बस अड्डे से क्लेमेंट टाउन। सो गाइस ये ना C17 टन्ना रोड क्लेमेंट टाउन देहरादून। तो अभी हम क्लेमेंट टाउन में है या नहीं है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कहीं पर लिखा है टन्ना रोड और कहीं पर टन्ना रोड के साथ लिखा है क्लेमेंट टाउन, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर।